ये एक रिसर्च सेंटर है बलूचिस्तान का, और यहाँ पर कोई 32 साल पहले कई हज़ार जैतून के दरख्त लगाए गए थे। इन दरख्तों से ग्राफ्ट लेकर जो जंगली जैतून के जो दरख्त हैं उन पर लगाया जा सकता है, और आज तक यहाँ पे जो जंगली जैतून के जो दरख्त मौजूद हैं ज़िला बलूचिस्तान में, हमारी मालूमात के मुताबिक आज तक उन पर ग्राफ्टिंग नहीं की गई है। स्पेन जैसा मुल्क कि जो हमसे बहुत कम आबादी रखने वाला है, वो दुनिया की 46% जैतून की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, और हम हज़ारों एकड़ खाली ज़मीन रखने के बावजूद, करोड़ों जंगली जैतून के दरख्त होने के बावजूद, हम उसकी सिर्फ ग्राफ्टिंग भी नहीं कर सके। 70 साल के अंदर हमने ये भी नहीं किया कि हम उनकी ग्राफ्टिंग करके उनके अंदर से फल हासिल करते, ताकि चलिए किसी और का भला होता ना होता, उस इलाके के गरीब आवाम का भला हो जाता, वो कुछ खुशहाली के दिन देख लेते, उनकी ज़िंदगी कुछ फिर जाती। अब 1988 से ये दरख्त मौजूद हैं, इन्हीं दरख्तों से कलम हासिल करके जंगली जैतून के दरख्तों पर लगाया जा सकता है, क्यों नहीं हो रहा? इसका कोई जवाब कम अज़ कम मेरे पास नहीं है। ये तो आवाम को, हुकूमतों से पूछना चाहिए, सरकारी अफसरान से पूछना चाहिए, उन इदारों से पूछना चाहिए जो रिसर्च के नाम पर करोड़ों अरबों का बजट इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया।